हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी के लिए स्वागत करता हूं। मैं उमाकांत शर्मा, अनअकैडमी स्टूडियो एंड ग्रेप पर, और आज हम जानने वाले हैं कि कैसे आप एसएससी सीपीओ में जितना अभी तक आप पढ़ चुके हैं, ये 3-4 दिन में कैसे आप चीजों को हैंडल करेंगे। जितना भी डेटा आपके दिमाग में घूम रहा है भैया, बहुत सारी भसड़ आपके दिमाग में हो गई होगी, बहुत सारा मैसअप चीजों का आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो उन सारी चीजों को अभी कैसे टैकल करना, 3-4 दिन में आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि आप बहुत पीसफुली और बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दे सकें। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बहुत गंभीर मुद्दे पर, जो कि आपके सामने है। आज कैसे रिविजन करें एसएससी सीपीओ 2019 के लिए, ये आपके सामने आज का मुद्दा है। तो मुद्दा बहुत गर्म है, गंभीर है, जो कि आपको समझना है। अगर आप बिना सोचे समझे जो भी आपने दिमाग में अभी तक भरा हुआ है और उसके साथ अगर आप एग्जाम में जाते हो, तो यू विल बी कंफ्यूज्ड एंड फियरफुल। आप डर जाओगे, थोड़े घबरा जाओगे, कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हो। तो आप इन सब चीजों से अगर बचना चाहते हैं, तो आज जो मैं आपको राय देने वाला हूँ, एडवाइसेस देने वाला हूँ, वो उनको आपको फॉलो करना है। वो सब मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की गई सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो कि आपको समझनी है। इससे पहले मैंने आपको बताया था मैथ्स के सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है एसएससी सीपीओ 2019 में। आज हम बात करेंगे रिवीजन कैसे करना है 3-4 दिन के लिए, आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो उससे पहले मैं बता दूं नए बच्चों को कि ये अनअकैडमी स्टूडियो एनग्रेव की टीम है, जो कि यूट्यूब पर चैनल है अनअकैडमी स्टूडियो एनग्रेव, उस चैनल को ज्वाइन कर लें। और आपको यहाँ पर सारे एजुकेटर्स के सारे जितने भी वीडियोज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जितने भी अपडेटेड कंटेंट है सब आपको मिलेगा। ये सारे एजुकेटर सबको आप जानते हैं बहुत अच्छे से, नए बच्चों के लिए जो नहीं जानते, नाम पढ़े, चेहरा देखें, गूगल कर लें, सब आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, सब एक से एक बेहतर एजुकेटर हैं, आप देख लें। ये आज का हमारा मुद्दा है जो कि हमें डिस्कस करना है, हाउ टू डू रिविजन फॉर एसएससी सीपीओ 2019 बाय उमाकांत शर्मा। क्लियर पॉइंट, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं जो कि आपको देखने भैया, ठीक है। आप पढ़े लिखे हो, जानते हो, तो ऑफलाइन वाले बच्चे मुझे सब जानते हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, खुद से देखें, एनालिसिस करें, ठीक है। मैं अपनी काबिलियत की गुणगान खुद नहीं करूंगा, ठीक है। ये फीडबैक फॉर्म है जो कि आपको फिल करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के दिया हुआ है, फिल करें और हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं, और हम आपकी चाहत को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे बेटा। चलिए, ये टेलीग्राम ऐप है, इस पे आप जानते हो सभी को, ये रॉकेट बनाओ जो कागज का तुम बचपन में बनाते थे और उड़ाते थे फिर, ठीक है। ये टेलीग्राम ऐप को आपको डाउनलोड करना है, उसमें एसएससी एनग्रेव चैनल है, ज्वाइन करें। आपको सारा जो भी आपके लिए चीजें वहां पर हैं आप देखकर खुश रहेंगे, और आपको सारी वीडियोज के लिंक मिलेंगे वहां पर, और बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में आपको मिलती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वन एंड द प्रिसाइज एजुकेशन ऐप टिल नाउ, एंड इसको इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, आपको 24 MB का डेटा चाहिए, जो कि 24 MB जैसी आप स्पेस अपने फोन में बना लोगे इंस्टॉल हो जाएगी ऐप। और इंस्टॉल होने के बाद अपना गोल सेलेक्ट कर लें, एसएससी एग्जाम जैसे आप गोल सेलेक्ट करोगे, तो आपके सामने वहां पर बहुत सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज दिखाई देने लग जाएंगे। क्लियर पॉइंट, तो एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करने के बाद अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेने के आपको ये फायदे रहने वाले हैं। आपको अपने फेवरेट टीचर एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट सेशन, एक सब्सक्रिप्शन लेना है, और उस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जितने भी एजुकेटर एसएससी एग्जाम के लिए अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाते हैं, उन सभी के कोर्सेज को आप एक फीस के अंदर देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और उनके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एजुकेटर के साथ रियल टाइम इंटरेक्शन होगा बेटा, जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है, लाइव क्लास मिलेंगी, लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हो, और वीडियोस को बार बार आप देखने की बजाय, आप अगर लाइव में कुछ समझ नहीं आया बार बार देखो, डाउनलोड कर लो वीडियो को, ऑफलाइन देख सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटी है, ठीक है। ये मंथली मॉक टेस्ट सीरीज मेंशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जानते हो बिना मॉक टेस्ट के तो एग्जाम अधूरा है, आपकी तैयारी अधूरी है, तो ये मंथली मॉक टेस्ट तो आपको मिलेंगे ही सभी एजुकेटर के, सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, ये सब एजुकेटर है आपके सामने देख सकते हैं आप, सभी फेमस एजुकेटर, सभी एक से एक बेहतरीन एजुकेटर, मेहनती एजुकेटर अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाते हैं। तो आपको देरी नहीं करनी है, सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बता दूं, 6 महीने, 1, 3 महीने, 1 महीने, 12 महीने, 24 महीने, सभी
टाइम के अकॉर्डिंग आपके लिए कोर्स डिजाइन किए गए हैं। 12 महीने का जिस बच्चे को कोर्स चाहिए, एक साल का 6000 कुल पे करना है आपको। अगर ये भी आपको ज्यादा लग रहा है तो मेरा कोड अप्लाई कर देना, यूएस लाइव कोड अप्लाई करोगे तुम्हें दुआ मिलेगी, तुम्हें डिस्काउंट मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। 600 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, 5400 रुपए में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा एक साल के लिए, और आपका इंश्योरेंस, एग्जाम का इंश्योरेंस, तुम्हारा इंश्योरेंस सब हो जाएगा 5400 रुपए में। क्लियर पॉइंट। तो अगर मैं बात करूं, कोई बच्चा इंटरेस्टेड है 24 महीने का कोर्स मतलब 2 साल का, तो उसको ज्यादा कुछ पे नहीं करना, सीधा 9600 पे करना है। 9600 भी अगर उसको ज्यादा लगता, कोड अप्लाई कर दो यूएस लाइव, और यूएस लाइव कोड अप्लाई होते ही आपको ये फीस दिखेगी 8640, जो कि बहुत कम फीस है, और इसके साथ आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। 2 साल के लिए आप जुड़ जाओगे हमारे साथ और आपका सिलेक्शन तो पक्का है ही, 2 साल की मेहनत में तो आईएएस भी निकल जाता भैया, ये तो बहुत छोटा एग्जाम है। क्लियर पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप रिविजन करोगे, किस प्रकार आप अपनी ये 3-4 दिन, कैसे आप इन 3-4 दिन की दिन और रातों को काटोगे। बहुत बड़ा ही मुद्दा है बेटा ये, रिवीजन आपको कैसे करना है। रिवीजन के लिए पहले मैं बात करूंगा मैथ्स पर, अपने 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, उन 4 सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं आज डिटेल में। मैथ्स अब आप जितना पढ़ चुके हो भूल, उसको आप छोड़ दो वहीं पर, नया कुछ पढ़ना नहीं है। आपके सामने 2 पोर्शन है मैथ्स के अंदर, एक आपके सामने अरिथमेटिक, एक आपके सामने एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में आप जानते हो कि ज्यादातर आपको फॉर्मूले, ट्रिक्स ये काम आने वाले हैं। फॉर्मूले और ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए एडवांस मैथ्स के अंदर सारे क्वेश्चंस की। तो आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, ट्रिक्स याद करनी है जो भी आपने पढ़ी है अभी तक किसी स्पेशलाइज क्वेश्चन के लिए। अरिथमेटिक के अंदर आपको परसेंटेज का डेटा देखना है, परसेंटेज आपको ध्यान से देखनी है, क्या क्या परसेंटेज गिवन है। क्लियर पॉइंट। परसेंटेज की वैल्यूज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एक बार जो वो क्वेश्चंस जो आपके सामने डाउट्स थे, जो आपके सामने जो आपके डाउट्स थे, उन क्वेश्चंस को प्लीज रिवाइज कर जाएं, ठीक है। एक बार उन पर नजर घुमा लें, उन क्वेश्चंस के तरीके देख लें कैसे वो सॉल्व हुए थे। बस मैथ्स में मैं बहुत बात कर चुका हूं पिछली वीडियो में, इतना ही आपको अभी करना है रिविजन के तौर पर। अरिथमेटिक का रिविजन करना, परसेंटेज की वैल्यूज याद कर लो, और डाउट्स आपके जितने भी हर चैप्टर में डाउट के लिए जितने डाउट आपके क्रिएट हुए थे उन क्वेश्चंस को रिवाइज करें। एडवांस मैथ्स में अभी आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, फॉर्मूलेज रिवाइज कर लो, ट्रिक्स जो आपने क्वेश्चंस की सीखी हैं उन क्वेश्चंस की ट्रिक्स को, उनके तरीके को रिवाइज कर लो। क्लियर है पॉइंट। ये मैथ्स की बात रहेगी कहानी। अब हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में आप कैसे रिविजन करोगे, इंग्लिश में आपको रिविजन कैसे करना है, ये आपके सामने इंग्लिश है। अब इंग्लिश को बांट देता हूं मैं 2 सब्जेक्ट में, 2 पार्ट में बांट देता हूं। एक आपके सामने ग्रामर, एक आपके सामने वोकैब। ग्रामर को आप, ग्रामर के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी लेसन्स हैं, उन सभी लेसन्स को आप रिवाइज करें, रूल्स को फटाफट रिवाइज कर लें, 3-3 लेसन लेके एक साथ, और उनको रिवाइज करें। क्लियर है। और उन रूल्स को रिवाइज कर लें अच्छे से, जिससे कि एग्जाम में आप इंप्लीमेंट कर पाए। वो कैब में बेटा अभी आपको क्या क्या आपको रिवाइज करना है वो लिख देता हूं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिवाइज करो, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल यूज जो होता है भैया, प्रीपोजिशन का जो यूज होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे आप जानते हो अकाउंट के बाद ऑफ भी लगता है, अकाउंट के बाद ऑन भी लगता है, आप जानते हो कंप्राइज के बाद ऑफ लगता है, कंप्राइज्ड ऑफ। तो आप इन सब जो वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन का यूज है, फिक्स यूज जो है, उसको एक बार रिवाइज करें, ठीक है। प्रीपोजिशन ये यूज करना है आपको, रिवाइज करना है। क्लियर है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idiom phrases, preposition और phrasal verbs, और आपके लिए homonyms and paronyms, homonyms paronyms आपको revise करने, ये काम आपको करके जाना है।
अगर जिन बच्चों के पास अलग अलग सोर्सेज होंगे उन सोर्सेज में जहां जहां आपने पढ़ा उनको रिवाइज करें, बस वोकैब के अंदर प्रॉपर एंटोनिम सिनोनिम्स को रिवाइज ना करें, बहुत सारे वर्ड हैं आपके लिए, वो छोड़ना ही काफी रहेगा अभी ये 3-4 दिन में, बस यही करें। और अगर मैं एडिशन करना चाहूं इसमें तो आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, आप एक्टिव पैसिव मतलब वॉइस और नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनके रूल्स को रिवाइज कर जाए बेटा। ये आपके लिए अगर अभी आपको 3-4 दिन की स्ट्रेटेजी देखनी है तो इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर के चैप्टर रिवाइज करने, वोकैब के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, होमोनिम्स एंड पैरोनिम्स और एक्टिव पैसिव और नरेशन, इतने आपको रिवाइज करके जाना है। और इसके अलावा आप कुछ मत सोचिए, अभी कुछ मत करिए, जो आपने पढ़ा हुआ है उस पर भरोसा रखिए बस। ये इंग्लिश की कहानी खत्म। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग में जो चैप्टर रिवाइज करने वाले होते हैं उसमें मैं आपको बता दूं, पहला है आपके लिए काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स के जो तरीके हैं, स्क्वायर काउंट करने, रेक्टेंगल काउंट करने और आपके सामने ट्राइंगल काउंट करना, ये आपको आना चाहिए। ये आप तरीके देख लें जहां भी आपने नोट्स बनाए थे। दूसरा मैं बात करूंगा आपके सामने, आपको रिवाइज जो करना है, आपको रिवाइज करना है क्लॉक एंड कैलेंडर, क्योंकि ये सारे जो डेटा है वो ट्रिक पर काम करता है। ठीक है, सारे चैप्टर ये जो है ये ट्रिक्स पर काम करते हैं, इन ट्रिक्स अगर आपको पता है तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस, बात समझ आ रही है? और आपके सामने अल्फाबेट्स, अल्फाबेट के आपको ऑर्डर याद रखना भाई, ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, जेड का मतलब 26, उनका ऑर्डर और उनके अपोजिट जो ऑर्डर्स हैं वो भी याद रखने, क्लियर है? और थोड़ी सी बात मैं करूंगा ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग में जो आपकी ट्रिक्स बनती हैं, जो फॉर्मूले हैं एक दो, वो भी आप रिवाइज कर जाए। तो रीजनिंग में आपको ये सारी चीजें याद करनी है, रिवाइज करनी है बचे हुए समय में, जो आपके पास समय बच रहा है अभी। उसके बाद हम बात करेंगे जीएस में, बहुत लंबी कथा भी है जीएस की। चलो जीएस को मैं बांट रहा हूं भाई, तीन पार्ट में बांट रहा हूं, सोशल साइंस, साइंस और जीएस, और एक पार्ट और कर देते हैं आपके सामने करंट अफेयर्स। अभी आप इसमें क्या रिवाइज कर सकते हो सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में आप देखते हो कि 4 सब्जेक्ट अपने पास हैं, 4 सब्जेक्ट है अपने पास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अपने पास है पॉलिटी और इको, इकोनॉमिक्स। तो हिस्ट्री में आपको जो याद करनी है वो आपको याद करनी है बैटल्स, फाउंडर्स, किस डायनेस्टी के कौन से फाउंडर्स हैं, बैटल्स याद करनी है, फाउंडर्स याद करने हैं, ठीक है? ये आपको याद करना ही करना, अभी जो रिवाइज करना सिर्फ ये करना, बाकी तो आपको याद जो रहेगा ठीक है, नहीं रहेगा तो वो अभी आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बैटल्स की डेट याद रख लें, फेमस बैटल्स की, और फाउंडर्स याद कर लें। ज्योग्राफी के अंदर आपको क्या करना है, ज्योग्राफी में आपको नेशनल पार्क्स, डैम्स, ठीक है, डैम्स, रिवर सिस्टम्स, नेशनल पार्क्स हो गया, डैम्स हो गए, रिवर सिस्टम हो गए, और आपके सामने कल्चरल में अगर बात कर लेंगे फोक डांसेस, और थोड़ा सा अपना सोलर सिस्टम को पढ़ के जाना, सोलर सिस्टम। अभी जो रिवाइज करना वो ये करना है, बाकी तो आपके सामने जो आएगा वो आप पुराना आपने पढ़ा होगा तो आएगा। पॉलिटी में अगर मैं बात करूं, शेड्यूल्स जरूर देख के जाना, अमेंडमेंट्स, और आपको फंडामेंटल राइट्स,
rights and duties, fundamental rights or duties. और मैं अगर बात करूं DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, ये सारी बातें आपको पॉलिटी के अंदर पढ़ के जानी है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और एक सिटीजनशिप वाला पोर्शन जरूर पढ़ के जाना 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप वाला जरूर पढ़ के जाना. ये आप अभी रिवाइज करें, ये रिवाइज करें, इतना आपके लिए अभी काफी है. इकोनॉमिक्स में अगर बात करूंगा मैं, तो इकोनॉमिक्स में आपको जो पढ़ के जाना है अभी, तो अगर मैं बात करूं डिमांड सप्लाई प्राइस, इनके बारे में थोड़ा देख के जाना. डिमांड सप्लाई प्राइस, इनके ग्राफ, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है. इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा. इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सारी चीजें पढ़ के जाना. आप साइंस में आप बात करेंगे, साइंस में बेटा जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको रिवाइज कर लें. फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, और अगर बायो है तो बायो. जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें जो आपने ज्यादा पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लें, ज्यादा फोकस करें बायो पे, ठीक है. जीएस जो आपकी मैंने लिखी थी स्टैटिक जीके, इसको हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके. स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में आपको जितना भी डेटा आपने रिवाइज किया उसमें से कम आप पासिस हो गए, ठीक है. ज्योग्राफी में भी इंक्लूड होते हैं स्टैटिक, करेंसी, ये सारी चीजें आप पढ़ के जाना. सुपरलेटिव्स, अवार्ड्स, ये सारी चीजें. करंट अफेयर कम से कम आप 4 से 5 महीने का तो रिवाइज कर लें. और नवंबर और अक्टूबर का, नवंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें. क्लियर है? नवंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर अभी आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रहना चाहिए. नवंबर अक्टूबर से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने अभी अगर एसएससी फेज 7 दिया हो किसी बच्चे ने, तो उसमें ये आपका अक्टूबर में हुआ था, और अक्टूबर से पहले था आपका सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर से बहुत क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के अंदर. सेप्टेम्बर और जुलाई, अगस्त सेप्टेम्बर से बहुत क्वेश्चन आए थे, ठीक है. तो करंट अफेयर में अभी नवंबर अक्टूबर का ध्यान रखना आपको बस. ये आपका जीएस की स्ट्रेटजी रहेगी. मैथ्स की मैं आपको अलग वीडियो में भी बता चुका हूँ, और आज भी बता दिए. ये रीजनिंग की आपको जो अभी ये 3-4 दिन में रिवीजन कर सकते हो, सिर्फ इतना कर लीजिए आप, बाकी आप छोड़ दीजिए. जो आपने पढ़ा हुआ है उस पर भरोसा रखिए. क्लियर है? तो हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. और अभी आपके लिए ऑल द बेस्ट. आप अच्छे से एग्जाम दें, अच्छे से रिवीजन कर लें इन चीज़ों का जो मैंने आपको बताई है. तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द. अनअकैडमी स्टूडियो एनग्रेव चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें. थैंक्स, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग एंड लेट्स क्रैक इट योर एग्जाम. ओके, बाय, टेक केयर.